शोपियां मुठभेड़ के बीच अवंतीपुरा त्राल के नौबुक इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक घंटे के भीतर ही दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, परंतु सुरक्षा बलों के अनुसार ये दोनों आतंकी स्थानीय बताए जा रहे हैं। शोपियां में गत वीरवार से जारी मुठभेड़ पिछले 16 घंटे से लगातार जारी है। अब तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जबकि अंसार गजबातुल हिंद के स्वयंभू कमांडर इम्तियाज मीर अपने एक साथी के साथ मस्जिद जान मोहल्ला में जा छिपा है। मस्जिद को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बाहर आने तक अभियान को टाला हुआ है। हालांकि आज शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मनाने के लिए मस्जिद के इमाम और आतंकी के भाइयों को बातचीत के लिए भेजा, परंतु दोनों ने ही इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हो गए थे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को कोविड-19 से प्रभावित 8 जिलों के शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक संभागीय प्रशासन को कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट के अनुसार जिन 8 जिलों में रात का कर्फ्यू देखा जाएगा, उसमें जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बड़गाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा शामिल है। ट्वीट में आगे कहा गया है कि इन जिलों के शहरी स्थानीय निकायों की नगर पालिका सीमा में कर्फ्यू लागू होगा। ट्वीट में कहा गया है कि ये शुक्रवार 9 अप्रैल रात 10 बजे से लागू होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आज एक कन्वोकेशन सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जम्मू आ चुके हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 9 अप्रैल को केनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में IIM जम्मू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने वाले हैं। नायडू आज IIM जम्मू के तीसरे और चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए जम्मू पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले वीरवार को IIM के 180 छात्रों और स्टाफ मेंबर्स ने कोविड-19 टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 19 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। अपना वजूद बचाने की कोशिश में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अब गांवों का रुख कर रही है। कांग्रेस विभिन्न गांवों में विकास, रोजगार और आर्थिक तरक्की के मुद्दों को उठा रही है, साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए आम लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करने में लगी है। अपने इस अभियान को कांग्रेस ने आओ पंचायत चले नाम दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले के दौरान अगवा किए गए CRPF के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की खबर मिलते ही उनका परिवार खुशी से झूम उठा। गम के आंसू खुशी के आंसू में बदल गए। घर में जश्न का माहौल है। परिवार के सदस्य एक दूसरे को मिठाइयां बांटने लगे। दूसरी तरफ राकेश्वर के घर पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई परिवार का हाल जानना चाह रहा था। वहीं पूरे देश में भी लोग राकेश्वर की रिहाई पर एक दूसरे को बधाई देते रहे। कई संगठनों ने अपने तरीके से जश्न मनाया। डायरेक्टर कृषि कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने उच्च गुणवत्ता वाले सब्जी बीज के वितरण अभियान का उद्घाटन किया। किसानों के साथ बातचीत करते हुए निदेशक कृषि ने कहा कि विभाग हर मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले सब्जी बीज किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसका प्रयास है कि श्रीनगर में सब्जी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। बीते दिन नगरपालिका समिति बीज बिहाड़ा के उपाध्यक्ष के चुनाव SDM बीज बिहाड़ा और SDPO की देखरेख में हुए। इन चुनाव में एडवोकेट पीरजादा मुशर्रफ जीते और उपाध्यक्ष बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला अध्यक्ष अल्ताफ अहमद कालू और DDC अंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने एडवोकेट मुशर्रफ को बधाई दी। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्री जिला कुलगाम के लोअर मुंडा में परीक्षण से गुजरेंगे। ये टिप्पणी DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज अहमद ने वीरवार को TRC में कोविड-19 संबंधी स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए प्रशिक्षण कुछ दिनों में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे
घाटी में वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। डीसी ने कहा कि होटल कर्मचारियों, ड्राइवरों, हाउसबोट कर्मचारियों और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित अन्य लोगों का सामूहिक टीकाकरण सभी पर्यटन स्थलों के सामने शुरू कर दिया जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वृक्षारोपण के लिए अपनी कार्य योजना की समीक्षा के लिए संबंधित विभागों की बैठक के दौरान डेवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने वीरवार को वन विभाग और अन्य लाइन विभागों को जम्मू सिटी में खाली स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए ताकि इन्हें ग्रीन पैचेस में विकसित किया जा सके। बैठक में सहायक आयुक्त केंद्रीय डीएफओ जम्मू डीएफओ सामाजिक वानिकी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा परियोजना निदेशक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा पीडब्ल्यूडी जीएमसी जेडीए के निदेशक कॉलेज और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डीएफओ जम्मू ने बताया कि वन विभाग ने जम्मू शहर के बाहरी इलाकों पार्क स्कूल कॉलेज रिवर बैंक सड़क के किनारे और खाली पड़ी जमीन पर 5,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। डीसी उधमपुर इंदु कंवल चिप के साथ प्रेसिडेंट नगर निगम परिषद डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता और पार्षदों द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के सिलसिले में उधमपुर टाउन हॉल के सलातिया चौक से जैखनी क्षेत्र तक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। ड्राइव के दौरान डीसी ने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की कि वो अपनी दुकानों के बाहर प्रदर्शित माल को हटा दें क्योंकि ये पैदल चलने वालों के लिए बाधा बन रहा है। उपराज्यपाल के सलाहकार भटनागर ने वीरवार को वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर सोनमार में स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें यात्रा से जुड़ी विभिन्न तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान एडवाइजर भटनागर ने अधिकारियों से यात्रा को सफल बनाने और यात्रियों के लिए सहूलियतों में कमी न आए इस पर हर संभव कोशिश करने को कहा। 6 अप्रैल से लापता 14 वर्षीय युवा के परिवार के सदस्यों ने अपने बेटे के घर लौटने का आग्रह करते हुए सुरक्षा एजेंसियों से पता लगाने में मदद करने की अपील की है। शोपिया के चित्रग्राम कला गांव के निवासी गुलजार अहमद गनी 6 अप्रैल से लापता हो गया था। घर वालों के अनुसार उन्होंने अपने बेटे को कुछ किराने का सामान लेने के लिए भेजा था लेकिन वो वापस नहीं लौटा। परिवार के सदस्यों के अनुसार फैजल उनके परिवार का अकेला बेटा है जिसमें उनके माता पिता और 4 अविवाहित बहनें शामिल हैं। बांदीपुरा पुलिस ने एप्पल ब्रांड के रूप में निरस्त सरकारी चावल की कालाबाजारी को नाकाम कर दिया। 26 क्विंटल अवैध रूप से खरीदे गए पीडीएस चावल जब्त किए गए। बांदीपुरा पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एक विशिष्ट जानकारी मिली कि एक व्यक्ति मुजफ्फर अहमद वानी जो कि नडियाहल का रहने वाला है ने गैरकानूनी रूप से सरकारी चावल की खरीद की है और इसे एप्पल ब्रांड के चावल के थैलों में फिर से डाल रहा है ताकि उन्हें प्राइवेट और खुले बाजारों में बेचा जा सके। एसएसपी बांदीपुरा मोहम्मद जाहिद और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर बांदीपुरा मोहम्मद इद्रीस की देखरेख में एसएचओ पीएस अरागाम के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन अरागाम के एक दल ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाडीहल में एक जगह पर छापा मारा और 26 क्विंटल सरकारी चावल बरामद किया।